हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाएंगे पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर अपडेट कैसे करना है। अपना पीएसए यूटीआई रिटेलर आईडी से 5 मिनट में अपना पैन कार्ड का फोटो और सिग्नेचर बदल सकते हैं और 1 सप्ताह के अंदर आपका पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर अपडेट हो जाएगा। सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद आपका रजिस्टर जीमेल आईडी में ई पैन कार्ड मिलेगा और बाय पोस्ट फिजिकल पैन कार्ड आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर अपडेट कैसे करना है फुल प्रोसेस दिखाएंगे लाइव। इस वेबसाइट में अपना पीएसए आईडी लॉगिन करना है। अपना आईडी में एक कूपन रखना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने के लिए एक कूपन कटेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल कूपन में मेरा एक फिजिकल कूपन है। कूपन पॉपअप को ओके कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने के लिए सीएसएफ सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। 2 नंबर ऑप्शन में आना है सीएसएफ पैन फॉर्म, इसमें क्लिक करना है। इस फॉर्म को फिलअप करना है। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, जिस पैन कार्ड का फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना है उस पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। पैन नंबर फिल करने के बाद री एंटर करना है पैन नंबर को। पैन नंबर री एंटर करके ओके करना है। इसके बाद पैन कार्ड टाइप सिलेक्ट करना है, किस टाइप पैन कार्ड चाहिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, बूथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन। पहला ऑप्शन से 2 तरह का पैन कार्ड मिलेगा, बाय पोस्ट फिजिकल पैन कार्ड मिलेगा और आपका जीमेल आईडी में ई पैन कार्ड मिलेगा। और दूसरा वाला अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको ई पैन कार्ड मिलेगा ओनली जीमेल आईडी में। तो चलिए अभी पहला वाला सेलेक्ट करते हैं, हमको दोनों में चाहिए। पैन कार्ड टाइप सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। बेनिफिशियरी का जो पैन कार्ड में नाम है उस नाम को डिटेक्ट करने के लिए वेरीफाई आईटीडी फुल नेम डिटेल्स, इसमें क्लिक करना है। इसमें 2 बार क्लिक करना है, बेनिफिशियरी का नाम डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद टाइटल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट टाइटल में क्लिक करना है, कुमारी, एमएस, श्री, श्रीमती जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। बेनिफिशियरी का नाम मैच हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैचेड। इसी तरह फादर का नाम भी डिटेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई आरटीडी फादर नेम डिटेल्स, इसमें क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करना है। पिता का नाम भी डिटेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैचेड। इसके बाद नीचे आना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, डेट, मंथ, ईयर। आधार कार्ड में जो DOB है उसी को फिल करना है। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है। फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने वाले हैं, इसमें टिक लगाना है। जिसमें भी सुधार कीजिएगा उसमें टिक लगा के सुधार कीजिएगा। तो चलिए दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आना है। इसके बाद एड्रेस फिल करना है, सेलेक्ट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है। इसमें 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑफिस और रेसिडेंट, दोनों में से जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका एड्रेस फिल करना है। तो चलिए अभी रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं। अपना एड्रेस फिल करना है, ब्लॉक नंबर, अपना गांव का नाम फिल कर देना है या अपना मोहल्ले का या फिर अपना फादर का नाम फिल कर सकते हैं। विलेज, विलेज में आपको अपना गांव का नाम फिल करना है। पोस्ट ऑफिस, अपना पोस्ट ऑफिस का एड्रेस फिल करना है। सब डिवीज़न, अपना ब्लॉक का नाम फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं। पिन कोड, यहाँ पर अपना एरिया पिन कोड फिल करना है। कंट्री नेम, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है। एड्रेस फिल करने के बाद नीचे आना है। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी फिल करना है। टेलीफोन बाय मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करके नीचे जीमेल आईडी फिल करना है। इसके बाद बेनिफिशियरी का आधार नंबर फिल करना है, यहाँ पर साइड में एक बार क्लिक करना है और फिर से आधार नंबर को री एंटर करना है। आधार नंबर री एंटर करके ओके कर देना है। इसके बाद बेनिफिशियरी का नाम फिल करना है, आधार कार्ड में जो नाम है उसी नाम को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नीचे आना है, 11 नंबर ऑप्शन में आना है, पैन नंबर 1, फिर से पैन नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। पैन नंबर फिल करने के बाद नीचे आना है, 12 नंबर ऑप्शन में वेरिफिकेशन, इसमें एक बार क्लिक करना है, बेनिफिशियरी का नाम डिटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट में क्लिक करना है, कितना डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो चलिए अभी 2 डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इसके बाद राइट साइड देख लेना है, हिमसेल्फ हरसेल्फ यहाँ पर है कि नहीं। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट में क्लिक करना है। इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट करना है। चलिए अभी आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, आपके पास जो भी अवेलेबल है सेलेक्ट करना है। चलिए अभी आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद DOB प्रूफ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शन है, आपके पास जो भी है सेलेक्ट करना है। चलिए अभी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। पैन प्रूफ, इसके बाद पैन प्रूफ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पैन प्रूफ में क्लिक करना है। पैन प्रूफ में 4 ऑप्शन मिलेगा, पैन कार्ड कॉपी देने के लिए कॉपी ऑफ पैन कार्ड 3 नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। कार्ड बैच टाइप में 3 ऑप्शन मिलेगा, MKT, NRI,
और तीसरा है नॉर्मल, तीसरा को सिलेक्ट करना है। सब कुछ फिलअप करने के बाद इसका एक बार रिव्यू देख लेना है और सबमिट करना है। सक्सेसफुली पैन कार्ड का रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें कूपन नंबर मिलेगा, इसको कॉपी करना है। इसी कूपन नंबर से एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को निकालना होगा, उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर लगा के अपलोड करना होगा। इसको सेव करके रख लेना है। सेव करने के बाद इसको कट कर देना है। इसके बाद फिर से होम पेज में आना है। अभी जो कूपन नंबर कॉपी किए उसी कूपन नंबर से एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, तो उसके लिए CSF सर्विसेज में आना है। फिर यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, नीचे आना है, 13 नंबर ऑप्शन में आना है, जेनरेट CSF पैन एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करना है। एप्लीकेशन बाय कूपन नंबर, यहाँ पर कूपन नंबर को पेस्ट करना है और सबमिट करना है। कूपन नंबर पेस्ट करने के बाद सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है। कूपन नंबर यहाँ पर मिलेगा, पैन नंबर यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर बेनिफिशियरी का डिटेल्स मिलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में बेनिफिशियरी का दो फोटो लगाना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड फ़ोटो में क्रॉप सिग्नेचर कराना है और राइट साइड एक सिग्नेचर कराना है। यहाँ पर इसी सिग्नेचर को क्रॉप करके अपलोड करना है। इस फॉर्म में और एक सिग्नेचर कराना है, नीचे यहाँ पर और एक सिग्नेचर कराना है और इसमें जो जो डॉक्यूमेंट ऐड कीजिएगा उसमें भी सिग्नेचर करा लेना है। फॉर्म को यहाँ से प्रिंट आउट निकालना है, तो चलिए इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट में नीचे सिग्नेचर कराना है, जो जो डॉक्यूमेंट देना है। एप्लीकेशन फॉर्म को मर्ज करके PDF बनाना है। PDF का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर क्रॉप कर लिए हैं, तीनों को कंप्लीट करके अपलोड करना है। तो चलिए फटाफट अपलोड कर लेते हैं। फिर से होम पेज में आना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए CSF सर्विसेज में क्लिक करना है। फिर 4 नंबर ऑप्शन में आना है, अपलोड CSF डॉक्यूमेंट, इसमें क्लिक करना है। यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट और फोटो और सिग्नेचर क्या फॉर्मेट करना है, सब कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है, तभी जाके आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो पाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला है अपलोड फाइल साइज बना के पहला ऑप्शन से अपलोड करना है और दूसरा है अपलोड क्रॉप फाइल दूसरा ऑप्शन से स्कैन करना है और अपलोड करके क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से क्रॉप करना है और अपलोड करना है। कूपन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, बेनिफिशियरी नेम यहाँ पर देख सकते हैं, बेनिफिशियरी का फादर नेम यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट पेंडिंग जितना भी रहेगा सभी का लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पास एक है, तो चलिए डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। पहला ऑप्शन से अपलोड फाइल में क्लिक करना है। यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। पहले पैन फॉर्म को अपलोड करना है। चूज फाइल में क्लिक करना है, जिस फाइल में डॉक्यूमेंट को रखे हैं वहाँ से सेलेक्ट करना है और ओपन में क्लिक करना है। पैन फॉर्म सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद पिक्चर सेलेक्ट करना है, चूज फाइल में क्लिक करना है, फ़ोटो को सेलेक्ट करना है और ओपन में क्लिक करना है। फ़ोटो भी सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है, चूज फाइल में क्लिक करना है, फाइल से सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है और ओपन में क्लिक करना है। तीनों सेलेक्ट हो गया है, पैन फॉर्म, फ़ोटो और सिग्नेचर। इसके बाद अपलोड में क्लिक करना है। लोडिंग ले रहा है। सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन नंबर। कूपन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, कूपन नंबर को कॉपी करके रखना है। पैन कार्ड का स्टेटस इसी से देख सकते हैं। इस पॉपअप को ओके कर देना है। पेंडिंग डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ से ख़त्म हो गया है। नो केस आर पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और एक काम करना होगा, जनरेट बैच करना है। तो उसके लिए CSF सर्विसेज में क्लिक करना है। फिर 5 नंबर ऑप्शन में आना है, जनरेट CSF बैच, इसमें क्लिक करना है। यहाँ से जनरेट बैच करना है। यहाँ पर जितना पेंडिंग रहेगा सबका लिस्ट मिल जाएगा। फिलहाल मेरे ID में एक है। कूपन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, बेनिफिशियरी नेम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी एप्लीकेशन का अभी डॉक्यूमेंट अपलोड किए। जनरेट बैच करने के लिए इसको सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट में क्लिक करना है और नीचे आना है, सबमिट कर देना है। सक्सेसफुली जनरेट बैच हो गया है। इसको भी सेव करके रख लेना है। प्रिंट में क्लिक करना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद बैक में क्लिक करना है। होम पेज में रीडायरेक्ट करेगा, तो इसी तरह पैन कार्ड में करेक्शन करना है। नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे पैन कार्ड करेक्शन करने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ऑल में प्रेस करें ताकि इस चैनल में जब भी न्यू अपडेट आए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।